दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही नोबल पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। दोस्तों ये जो पोएम है ये बहुत ही नोबल पोएम है। इसका कुछ पार्ट तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1803 में लिखा था और कुछ पार्ट 1806 में लिखा था। दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारी फिलोसॉफिकल बातें करते हैं इसमें वर्ड्सवर्थ, और ये जो पोएम है बहुत ही लंबी है तो ये दो पार्ट्स में होगी। दोस्तों इसमें ह्यूमन सोल की इमॉर्टलिटी को बताया, मेन थीम है दोस्तों इस पोएम की ह्यूमन सोल की इमॉर्टलिटी। जब आदमी बच्चा है, चाइल्ड होता है, तब तो वो कनेक्टेड रहता है अपनी डिवाइन लाइट से, लेकिन जब उसकी एज बढ़ती जाती है तो वो भूलता जाता है, दूर होता जाता है उस लाइट से। तो ये मेन थीम है दोस्तों। आधी पोएम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आधी पोएम हम आने वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था, मतलब पॉइंट के बचपन का टाइम, जब ये मीडो मतलब घास के मैदान, ग्रोव पेड़ों की ग्रोव, और स्ट्रीम मतलब नदियाँ, और अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट मतलब हर एक कॉमन चीज़ जो भी मुझे दिखती थी, ये सारी चीज़ें टू मी डिड सीम, मुझे ऐसी लगती थी, अपैरल्ड इन सेलेस्टियल लाइट। इस लाइन का मतलब ढंग से समझना, अपैरल्ड का मतलब होता है कुछ पहना हुआ होना, सेलेस्टियल लाइट का मतलब कोई डिवाइन लाइट, मतलब किसी हेवनली ब्यूटी या ग्लोरी, कोई सेलेस्टियल लाइट को इन सब चीज़ों ने पहन रखा हो। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, जैसे किसी ड्रीम की फ्रेशनेस और ग्लोरी। ये पॉइट चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, अपने बचपन की। पॉइट यहाँ पर चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं, ये सब चीज़ें मुझे उस टाइम पर ऐसी लगती थी। लेकिन अगली लाइन में बोलते हैं, इट इज़ नॉट नाउ एज इट हैथ बिन योर, मतलब अब पॉइट बड़े हो चुके हैं तो वो ये फील करते हैं कि अब मुझे इन सब चीज़ों में वो सब कुछ नहीं दिखता जो उस टाइम पर था। योर मतलब उस टाइम पर, पुराने टाइम पर। टर्न वेयर सो एवर आई मे, टर्न वेयर सो एवर आई मे, इस लाइन का मतलब है, जहाँ भी मैं अपनी नज़रें घुमाता हूँ, अपनी आँखें घुमाता हूँ, बाय नाइट और डे, दिन हो या रात, कभी भी कहीं भी मैं देखता हूँ, द थिंग्स विच आई हैव सीन आई नाउ कैन सी नो मोर। लाइन का मतलब, वो चीज़ें जो मैंने अपने बचपन में देखी थी मुझे अब वो देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट टेंसा में बोलते हैं, द रेनबो कम्स एंड गोज, मतलब आसमान में रेनबो आता है और चला जाता है, बनता है और ख़त्म हो जाता है अभी भी। एंड लवली इज़ द रोज़, रोज़ का जो फ्लावर है मुझे अभी भी लवली लगता है देखने में। तो द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर वेन द हेवंस आर बेयर, इस लाइन का मतलब है, चांद भी आसमान में खुशी से चमकता है अपने आसपास के माहौल में, चांद के आसपास आसमान साफ होता है। हेवंस आर बेयर का मतलब, चांद के आसपास आसमान साफ होता है, मतलब बादल बादल नहीं होते उस वक्त। वाटर्स ऑन स्टारी नाइट आर ब्यूटिफुल एंड फेयर, मतलब आसमान में चांद सितारे चमक रहे हैं और उनका रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा है, जिस चीज़ की वजह से वो पानी जो है बहुत ही ब्यूटिफुल और फेयर लग रहा है। आगे वाली लाइन में बोलते हैं, द सनशाइन इज़ अ ग्लोरियस बर्थ, मतलब कि सूरज जब उगता है सुबह के टाइम पर, उसकी सनशाइन से एक नए दिन का ग्लोरियस बर्थ होता है। बट येट आई नो, लेकिन अब भी मैं जानता हूँ, वेयर एवर आई गो, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जो कुछ भी मैं देखता हूँ, दैट देयर हैथ पास्ड अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, जो ग्लोरी मैं अपने बचपन में देखता था, हेवनली ग्लोरी, वो इस नेचर से, वो लाइट, वो सेलेस्टियल लाइट अब चली गई है। आगे वाले स्टेंजा में बोलते हैं, नाउ व्हाइल द बर्ड्स द सिंग अ जॉयस सॉन्ग, मतलब अब जब ये बर्ड्स भी अपना जॉयफुल सॉन्ग गाते हैं, एंड व्हाइल द यंग लैम्स बाउंड एज टू द टेबर साउंड, मतलब जब ये लैम्स यानी भेड़ बकरियों के बच्चे, छोटे बच्चे, बाउंड का मतलब नाचते हैं टेबर के साउंड पर, टेबर एक छोटा सा ड्रम होता है उसके साउंड पर, और तब टू मी अलोन देयर कम अ थॉट ऑफ ग्रीफ, मतलब उस वक्त मेरे अंदर एक थॉट ऑफ सॉरो, एक दुख की सी फीलिंग आती है, और फिर क्या होता है, टाइमली अटरेंस गिव दैट थॉट रिलीफ, मतलब अटरेंस का मतलब एक्सप्रेशन, मतलब टाइम टाइम पर उस सॉरो का एक्सप्रेशन करने से मुझे उस थॉट से कुछ हद तक रिलीफ मिल जाता है, शांति मिल जाती है, एंड आई अगेन एम स्ट्रांग, और मैं फिर से स्ट्रांग हो जाता हूँ। The cataracts blew their trumpet from the steep. इस लाइन का मतलब ये है, सबसे पहले तो cataracts का मतलब समझो,
इसका मतलब होता है गिरता हुआ पानी। वो स्टीप से यानी चट्टान से, खड़ी चट्टान से ऐसे ब्लो होता है, ऐसे बाहर निकलता है जैसे कोई ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक खड़ी हुई चट्टान से पानी ऐसे ब्लो करके बाहर निकलता है, ऐसी आवाज़ होती है जैसे एक ट्रम्पेट की। आगे पार्ट बोलते हैं, नो मोर शेल ग्रीफ ऑफ माइन द सीज़न रॉन्ग, मतलब ये जो मेरा दुख है, ये मेरा सौरव है, ये सीज़न के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। इसका मतलब ये है, इस सीज़न को अफेक्ट नहीं करेगा मेरा सौरव। आई हियर द एकोज थ्रू द माउंटेन्स थ्रॉन्ग, मतलब पॉइट बोल रहे हैं मुझे माउंटेन से बहुत सारे एक्को साउंड सुनाई देते हैं, मतलब एनिमल्स के, पानी के, बर्ड्स के। द विंड्स कम टू मी फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीप, मतलब फील्ड्स जो कि नींद में हैं, वहाँ से, फील्ड्स मतलब खेतों से मेरे पास विंड्स आती है, हवा आती है। वो फील्ड्स भी ऐसे लगते हैं जैसे सो रहे हो। एंड ऑल द अर्थ इज़ गे, गे का मतलब है खुश होना, तो ऐसा लगता है ये सारा अर्थ खुश है। लैंड एंड सी, ये लैंड ये सी, गिव देमसेल्फ अप टू जॉलिटी, जैसे इन सब ने खुद को जॉलिटी को दे दिया हो। एंड विद द हार्ट ऑफ मे, मतलब विद द हार्ट ऑफ स्प्रिंग सीजन, डथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे, मतलब यहाँ पर हर एक बीस्ट, हर एक जानवर हॉलीडे पर है, मतलब खेल कूद कर रहे हैं जानवर। अ पॉइंट यहाँ पर एक यंग शेपर्ड बॉय से बोलते हैं, दाओ चाइल्ड ऑफ जॉय शाउट राउंड मी, कि शाउट अराउंड मी, मेरे आसपास शाउट करो, मेरे आसपास चिल्लाओ, ताकि मैं तुम्हारे इन शाउट्स को सुनूं। लेट मी हियर द शाउट्स दाओ हैप्पी शेपर्ड बॉय, तो मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिले, हैप्पी शेपर्ड बॉय। नेक्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में यहाँ पर पॉइंट सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स से बोल रहे हैं, ये ब्लेस्ड क्रीचर्स, मतलब सभी नेचुरल ऑब्जेक्ट से बोल रहे हैं, ये शेपर्ड बॉयज़ की भेड़ बकरियां, या फिर सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट से बोल रहे हैं ब्लेस्ड क्रीचर्स। आई हैव हर्ड द कॉल यू टू ईच अदर मेक, मतलब मैं सुन सकता हूँ कि तुम लोग किस तरह से एक साथ खुश रहते हो, मज़े करते हो। आई सी द हेवन लव विथ यू इन योर जुबली, और मैं देखता हूँ कि ये हेवन भी, ये स्काई भी तुम्हारे साथ, तुम्हारी इस खुशी में खुश होता है। My heart is at your festival, my head hath its coronal. मेरा हार्ट जो है तुम्हारी इस खुशी में खुश होता है, और मेरे सर पर coronal है। Coronal कुछ इस टाइप का ताज बना हुआ, वो कहता है पॉइंट कि मेरे सर पर है। The fullness of your bliss, I feel at all. तुम्हारी इस खुशी में I feel, मुझे feel होता है। Oh evil day if I were sullen, अगर मैं दुखी रहूँ, sad रहूँ तो। Sullen मतलब sad रहना। While earth herself is adorning this sweet May morning and the children are culling on every side, मतलब मैं तो दुखी रहूं और ये पूरा अर्थ, every object on this earth इस sweet May morning को इतनी attention दे रहे हैं, बच्चे भी चारों तरफ खेल रहे हैं, culling कर रहे हैं, और मैं दुखी रहूं। In a thousand valleys far and wide, ऐसे ही thousands of, हजारों बड़ी बड़ी घाटियों में, valleys का मतलब घाटियों में, फ्रेश फ्लावर्स, वाइल द सन शाइन्स वार्म, आसमान में गर्म सूरज चमक रहा हो। एंड अ बेब लीप्स अप ऑन हिज मदर्स आर्म, एक बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा हो। आई हियर विद जॉय आई हियर, मैं सुन सकता हूँ, मुझे ये सब जॉयफुल आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पे अगली लाइन में पार्ट बोलते हैं, बट देयर इज अ ट्री ऑफ मैनी वन, लेकिन यहाँ पर एक पेड़ है। And a single field, एक single field which I looked upon, जिनकी तरफ मैं देखता हूँ। Both of them, वो दोनों मुझसे क्या कहते हैं, speak of something that is gone, कहते हैं कि कुछ है जो missing है। Something is gone, something is missing, the pansy at my feet, एक pansy एक flower होता है, तो poet बोलते हैं मेरे पैरों के नीचे pansy flower does the same tale repeat, वही बात दोहराता है, उसी बात को रिपीट करता है, वही चीज़ बोलता है। वेदर इज फ्लेड द विजनरी ग्लीम, वेयर इज इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम, कि कहाँ है अब वो विजनरी ग्लीम, कहाँ गई वो ग्लोरी और वो ड्रीम जो एक बच्चे की आंखों में होते हैं। अब आगे वाले स्टेंजा में पार्ट कुछ ऐसी बात करते हैं जिस पर साइंस को भरोसा नहीं है, लेकिन पार्ट बोलते हैं आवर बर्थ, हमारा जो जन्म है, इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, एक स्लीप की तरह है, नींद की तरह, नींद लेना और भूल जाना। लेकिन हमारी सूल, द सूल दैट राइजेस विद अस, हमारे साथ ऊपर उठती है, ऊपर जाती है।
और लाइफ स्टार हमारी लाइफ एक स्टार की तरह है। आगे जो लाइन बोलते हैं उसको गौर से सुनना, हैथ हैड एल्सवेयर सेटिंग एंड कमथ फ्रॉम अफार, मतलब जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी ढल रही होती है और कहीं हम जन्म लेते हैं। आगे वाली लाइन में वो बोलते हैं नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस, कि जब हम जन्म लेते हैं तो कम्प्लीटली सब कुछ भूल नहीं जाते, एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस, और पूरी तरह हम लोग अपनी हेवनली एग्जिस्टेंस से दूर नहीं हट जाते कि हम लोग भगवान के घर से आए हैं, ये चीज़ हम कम्प्लीटली भूल नहीं जाते। ये लाइनें थोड़ी समझने में मुश्किल है, बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज़ अवर होम। इन दो लाइनों का मतलब है कि हम लोग हमारे जन्म के साथ में क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी भी अपने साथ लाते हैं, मतलब एक डिम विजन जो कि हम गॉड से लाते हैं, अपने घर से लाते हैं। एक्चुअली हमारा घर तो हेवन ही है, ये जिंदगी तो एक स्लीप है, मतलब नींद की तरह है। तो आगे पार्ट बोलते हैं क्या होता है जब हम बच्चे होते हैं, हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब हमारे जब हम बहुत ही छोटे होते हैं, जब जन्म लेकर के आते हैं, तो उस वक्त गॉड की वो ग्लोरी हमारे आसपास ही रहती है। हेवन लाइज अबाउट अस का मतलब वो ग्लोरी हमारे आसपास ही रहती है। शेड्स ऑफ द प्रेजेंट हाउस बिगिन टू क्लोज अपॉन द ग्रोइंग बॉय, मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये प्रिजन हाउस का मतलब है बॉडी, उस ग्लोरी की शेड्स हम पर से कम होने लगती है जैसे जैसे उस बच्चे की बॉडी ग्रो करने लगती है। बट ही बिहोल्ड्स द लाइट, लेकिन वो बच्चा उस लाइट को देखता है, मतलब गॉड की ग्लोरी को देखता है। एंड वेंस इट फ्लोज, और ये लाइट कहाँ से आ रही है, ही सीज इट इन हिज जॉय द यूथ, और फिर जब वो अपनी यूथ में आता है, हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट मस्ट ट्रैवल, मतलब यूथ में आने के बाद में वो हर रोज दूर जाता रहता है ईस्ट से, यानी कि हेवन से, अपनी असली एग्जिस्टेंस से। स्टिल इज नेचर्स प्रीस्ट, लेकिन वो अभी भी नेचर का पुजारी होता है, नेचर की वैल्यू समझता है। एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड ऑन हिज वे अटेंडेड, मतलब जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाता है, वो लाइट तो उसके साथ में होती है, लेकिन फिर जब वो मैन बनता है, एट लेंथ द मैन परसीव्स इट डाई अवे, तो वो महसूस करता है कि वो लाइट जो अब तक उसके साथ में थी वो ख़त्म हो चुकी है, वैनिश हो चुकी है। एंड फेड इन टू द लाइट ऑफ कॉमन डे, इस कॉमन डे की लाइट में वो अपनी लाइट को भूल चुका है, उसकी लाइट इस कॉमन डे की लाइट में फेड हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको पोएम समझ में आई होगी, बाकी की पोएम नेक्स्ट वीडियो में।